हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे वे में कवर कर रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम का जो डेट है वो फिक्स हो गया है और आपका टाइम टेबल भी अब जारी हो गया है, ठीक है ना। जो कि आपका एग्जाम दोस्तों 25 जून से स्टार्ट है, ठीक है। इसीलिए अभी से जो है दोस्तों पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास जो वक्त है वो बहुत ही कम है, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों जहाँ तक हो पूरा पूरा अपना ध्यान इस समय पढ़ाई पे लगाइए, ठीक है ना। तो दोस्तों इसीलिए जो है आज से जो है हम आपके हेल्प के लिए रिवीजन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो रिवीजन क्लास का नाम रहेगा लास्ट मोमेंट बैच, ठीक है ना। जो कि दोस्तों लास्ट मोमेंट बैच हम जो है सिविल इंजीनियरिंग के सेकेंड सेमेस्टर जो है उसका चलाने जा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब सिविल इंजीनियरिंग के सेकेंड सेमेस्टर में डैट मीन्स जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका हम रिवीजन पार्ट देखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। उनका ही रिवीजन करेंगे सभी सब्जेक्टों का, ठीक है। जिसमें दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग के सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, देखिए इसमें जो है टोटल 3 सब्जेक्ट है, जिसमें सबसे पहला है BME, ठीक है। क्या है BME? जिसे बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहते हैं, ओके। और ध्यान दीजिए दूसरा है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड है, ओके। और तीसरा जो है वो है अप्लाइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो दोस्तों इन तीनों सब्जेक्ट जो हैं ये सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के हैं, ठीक है, जो कि सेकेंड सेमेस्टर का है। इन्हें जो है दोस्तों पूरा अच्छे वे में इन सभी चैप्टर का स्टेप बाय स्टेप रिवीजन करेंगे, और प्रत्येक सब्जेक्ट का जो रिवीजन है दोस्तों, ठीक है ना, इतना ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक सब्जेक्ट का जो रिवीजन है वो 3 से 4 लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट, ठीक है ना। रिवीजन के माध्यम से कितने में कवर करेंगे? 3 से 4 लेक्चर में पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है ना, प्रत्येक सब्जेक्ट को, ओके। तो दोस्तों इतना ध्यान दीजिएगा, और भी प्रत्येक सब्जेक्ट को हम इस तरह से पढ़ेंगे कि कम समय में कम पढ़ के ज़्यादा नंबर गेन कर सकें, ठीक है ना। इस तरह से कवर करेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट को, ओके। और दोस्तों इन सभी सब्जेक्टों का जो है प्रीवियस एग्जामों में, वो भी 10 प्रीवियस एग्जामों जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम सब वो भी तीनों सब्जेक्ट का देखेंगे, ठीक है ना। और जितने क्वेश्चन आने लायक हैं वैसा भी क्वेश्चन हम लोग तीनों सब्जेक्ट में देखेंगे, ठीक है ना। और उसी के आधार पे हम लोग जो है पूरे एग्जाम अभी से ही कवर करने वाले हैं रिवीजन क्लास को प्रत्येक सब्जेक्ट के, ठीक है ना। इसीलिए बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा, जिनका भी बेस नहीं क्लियर है उनका बेस भी हम क्लियर करते हुए चलेंगे, ताकि जिन बच्चों का बेस एकदम कमज़ोर है उन लोगों का जब तक कंसेप्ट बेस नहीं क्लियर होगा तब तक उन लोगों को अच्छे समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों हम पूरा बेस से बताएंगे, ठीक है, जो भी चीज़ बताएंगे, ओके। इसलिए बिल्कुल चिंता मत करिए, यदि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी यदि हमारे ये तीनों सब्जेक्ट के जो है यदि रिवीजन क्लास देख लेते हैं तो आपको हम पूरा उम्मीद से कहते हैं कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे से होगा, ठीक है दोस्तों, और आपको टोटल सब कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है ना, बिल्कुल फिक्र मत करिएगा। तो दोस्तों इसमें देखिए स्टेप बाय स्टेप तीनों सब्जेक्टों को हम लोग पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है ना, जिससे हम लोगों का अच्छे से अच्छे नंबर गेन हो सके, ठीक है। तो दोस्तों देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसको भी देख लीजिए। और इससे पहले दोस्तों एक बात और कि बात ये तो हो रही थी सिविल इंजीनियरिंग के सेकेंड सेमेस्टर की, ठीक है। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर मतलब ये तो सिविल इंजीनियरिंग के बता रहे हैं, मतलब अन्य जो ब्रांच है उनके लिए कुछ हमारी तरफ से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा उनके लिए भी है, क्या है देखिए, ये सिविल इंजीनियरिंग का जो सेकेंड सेमेस्टर है इसमें से 2 सब्जेक्ट जो है ये कॉमन है। कौन कौन से? पहला जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड, और दूसरा अप्लाइड मैकेनिक्स, ठीक है दोस्तों। ये दो जो 2 सब्जेक्ट है ना ये अन्य ब्रांचों में भी है, जैसे टेक्सटाइल हुआ और आपका मैकेनिकल हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ और सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। इन चारों में जहाँ तक उम्मीद करते हैं होगा, ठीक है ना, ये नहीं हुआ फिलहाल, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स तो ज़रूर होगा, ठीक है ना। तो इतना ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फिलहाल जिन भी ब्रांच में हो ये दोनों सब्जेक्ट, ठीक है, जिनमें मिले तो वो लोग जो है जब इस सब्जेक्ट का जब हम इसका रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों जो ये मैथमेटिक्स है ना इसको आपको इस तरह से बताएंगे, जैसे कोई भी क्वेश्चन बताएंगे ना तो प्रीवियस एग्जाम के, तो उससे रिलेटेड जो है पहले फार्मूला बताएंगे, तो उस फार्मूले से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए पहले उससे बताएंगे, फिर फार्मूले बताएंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे, इस तरह से बताएंगे आपको, ठीक है, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और भी आप उस आप खुद अनुभव नहीं कर सकेंगे कि कितना जल्दी हमें समझ में आ गया ये, ठीक है ना। देख लीजिएगा जब आपको ये वाला लेक्चर पढ़ाएंगे तब आप कहेंगे हाँ सर आप क्या कर रहे थे, ठीक
ठीक है ना। तो दोस्तों बिल्कुल फिक्र मत करिए, बस आप जितना भी रिवीजन क्लास हम स्टार्ट करेंगे वो सभी को आपको देखना अच्छे से, ठीक है। और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो इसे शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा बनाए गए सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे, ठीक है ना। तो इसीलिए दोस्तों जहाँ तक है नोटिफिकेशन आपको हमारा मिलेगा तो आप जल्द से जल्द इसे देखने की कोशिश करेंगे, इसीलिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए ध्यान से, तो क्या करेंगे हम अप्लाई मैथमेटिक्स को भी स्टेप बाय स्टेप पूरे फार्मूले के साथ, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों जब हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे ना मैथ का, तो न्यूमेरिकल में क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी फार्मूला वहाँ पर यूज करते हैं तो न्यूमेरिकल जस्ट लगाएंगे ना आपको फार्मूला जस्ट याद हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारी गारंटी याद कराने की, ओके। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इन तीनों सब्जेक्टों को बहुत ही अच्छे में कवर करेंगे, ठीक है, इतना बस आप ध्यान दीजिए, ठीक। अब देखिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बीएमई पढ़ेंगे, ठीक है। और दोस्तों एक बात और, जो बीएमई है मतलब बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ना, हमने इससे पहले जो इसका क्लास ले रहे थे, ठीक है ना, मतलब बीएमई का, इसमें जो बीएमई से रिलेटेड सारी चीज़ें हम बता दिए थे, मतलब 12 चैप्टर जो है, ठीक है। बट दोस्तों उसमें जो इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट है उसे हम नहीं बता पाए थे, क्योंकि दोस्तों हमारे पास जो बुक है उसमें केवल बीएमई जो मतलब मैकेनिकल वाला जो पार्ट था वही 12 सब्जेक्ट के 12 चैप्टर केवल दिया था, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का पार्ट नहीं दिया है। इसलिए दोस्तों आई एम सॉरी, क्योंकि दोस्तों इसलिए मैं मतलब उसे बता नहीं पाया, ठीक है ना। बट आपको चिंता करने कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। कई बच्चे कमेंट में भी कहे थे, बट दोस्तों आपको चिंता करने कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए लास्ट मोमेंट बैच में हम आपको टोटल मतलब बेसिक और मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब दोनों पार्ट को पूरा अच्छे से कवर करा देंगे, ठीक है ना। लास्ट मोमेंट बैच में हम लोग ये पढ़ लेंगे मतलब क्या क्या चीज़ें, मतलब इलेक्ट्रिकल वाला जो पार्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सबको जो है हम लास्ट मोमेंट बैच के अंतर्गत सब कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों बिल्कुल फिक्र मत करिए, अब जो यहाँ पर है लास्ट मोमेंट बैच में आपको सब कुछ पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना, जो भी चीज़ें छूटी उठी होंगी, ठीक। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अब चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोग बीएमई में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे पहला सब्जेक्ट हम लोग बीएमई पढ़ेंगे, ओके। तो ध्यान दीजिए, देखिए बीएमई में सबसे पहले पढ़ेंगे स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल के बारे में, ठीक है। देखिए पहली बार बीएमई में दो ही चीज़ पढ़ना रहता है, मतलब पहला न्यूमेरिकल, दूसरा डेरिवेशन, सॉरी दोस्तों डिफिनेशन, ठीक है, मतलब डेरिवेशन का पार्ट नहीं पढ़ना रहता है, ठीक है ना, प्रूफ वाला पार्ट नहीं पढ़ना रहता है, इसमें केवल स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल और दूसरा डिफिनेशन पार्ट को देखेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, तो स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल को देखेंगे, उसके बाद देन आफ्टर डिफिनेशन पार्ट को देखेंगे, ठीक है ना, बोलिए इतना समझ पा। और दोस्तों वो भी पूरा अच्छे वे में कवर कराएंगे, ठीक है ना, बेहिचक आप लोग बेफिक्र रहिए एकदम, ठीक है। और देखिए ध्यान से, उसके बाद जो है हम लोग अप्लाई मैथमेटिक्स सेकेंड पर आएंगे, ठीक है, जिसमें दोस्तों अब तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, जितने भी सूत्र पर आधारित पूछे गए हैं, सब कुछ आपको लास्ट मोमेंट बैच के अंतर्गत पूरा अच्छे से कवर करा देंगे, ठीक है ना, इसमें भी बिल्कुल फिक्र मत करिएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आएंगे हम अप्लाइड मैकेनिक्स में, ठीक है, तो ये भी दोस्तों जो है 6-7 चैप्टर इसमें भी है फिलहाल, ये भी अपने आप में मतलब बड़े बड़े चैप्टर हैं कुछ, ठीक है ना, लेकिन इसमें भी फिलहाल चिंता मत करिए आप लोग, जहाँ तक होगा हम पूरा अच्छे से कवर करा देंगे, ठीक है ना। और दोस्तों इसमें एक चैप्टर है जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है शायद, ठीक है ना, जिसमें दोस्तों टी सेक्शन आई सेक्शन मतलब जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए टी सेक्शन का, आई सेक्शन का, एल सेक्शन का आता है, ठीक है, वो दोस्तों 5 से 8 नंबर में पूछता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है ना, उसको हम इसके अंतर्गत जरूर कवर कराएंगे, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि आगे चल के सिविल वाले सोम पढ़ेंगे, मैकेनिकल वाले मोस पढ़ेंगे, उसमें जो है दोस्तों वो वाला पार्ट जो है उसमें सब्जेक्ट में दिया हुआ है जड़त्व आघूर्ण के नाम से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नाम से, ठीक है ना, जिससे आप लोग वहाँ पर आपको पढ़ने बहुत ही आसानी होगी यदि अभी से पढ़े रहेंगे तब, ठीक है ना। तो दोस्तों इसके अंतर्गत हम आपको सब कुछ बताएंगे जो भी आपकी तैयारी के लायक रहेंगे, ठीक है, और कैसे आपको पढ़ के जाना है कैसे नहीं, ये सब कुछ अच्छे से बताते हुए चलेंगे प्रत्येक लास्ट मोमेंट बैच में, ठीक है ना, इसीलिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए जहाँ तक है, ठीक है। तो दोस्तों यही चीज़ था, तो सबसे पहले हम सब क्या पढ़ने वाले हैं, स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस लेक्चर में बस इतना ही रहेगा, बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले लेक्चर में, वो भी स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल पे आप लोग अच्छे से बने रहिए, ठीक है, बिल्कुल आपको कुछ भी यदि अभी तक नहीं पढ़े हैं बिल्कुल आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, पूरा बेस से बेस, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों यदि आपका बेस नहीं क्लियर है तो हमारे पढ़ाने का मतलब क्या, क्योंकि एक टीचर का पढ़ाने का मतलब यही होता है कि बच्चों को समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, तो इसीलिए हम इस तरह से पढ़ाएंगे आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो दोस्तों
तब तक के लिए आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, ऑल द बेस्ट।